वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ विदाउट यू। आपके बिना आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है। ठीक है, अब ये किसी भी रीजन की वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, ब्लॉकिंग इशू है, डिस्टेंस है, ब्रेकअप है, जो भी चीज़ें हैं। एक जनरल रीडिंग है, आई डोंट नो क्या आने वाला है, तो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर आपको पिकअप कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड होती रहती हैं, तो आप उन रीडिंग्स को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ विदाउट यू। क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना, लेट्स सी वो क्या कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान की जिंदगी में आपके बिना क्या चल रहा है, वो इंसान क्या कर क्या रहा है, उसका फोकस क्या है इस वक्त। बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ऐसा हो सकता है अगर एक सिटी में भी रहते हैं तो भी डिस्टेंस है, मिलते नहीं हैं या मिलना होता नहीं है या पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के बिना, वो क्या कर रहे हैं, उनका उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है। ओके, बैकग्राउंड उनका जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मुझे लोग नज़र आ रहे हैं जो जो आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट है आप लोगों के बीच। ठीक है, लोग यहाँ पर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, लोगों की वजह से ही डिस्टेंस है। ठीक है, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, ऐसा हो सकता है ब्लॉकिंग एनर्जी भी है, एक चीज़ें डिस्टेंस पे गई हुई हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच एक सडन डिस्टेंस या सडन आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हुई है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और चीज़ें आप लोगों के बीच डिस्टर्ब हुई हैं। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, क्या चल रहा है उस इंसान की लाइफ में। ये इंसान काफ़ी फ्री शो कर रहा है आपको, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर आप दूर से कहीं बैठकर देख भी रहे तो आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी, मतलब कि इसको किसी तरीके का असर नहीं है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है तो ये आपके लिए एक सडन, आपको ऐसा लगता है चेंज हो गया ये इंसान, चीज़ें आप लोगों के बीच बेहतर थी और एक चेंज हो गया है, मतलब कि एक ऐसा नहीं था जो चीज़ें चल रही हैं, ये पर्सन साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा, कुछ कनेक्शन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये चेंज आया क्यों है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब कि कुछ बता नहीं रहा, डिस्कशन पे नहीं है आपको लेकर। ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, आर्ग्यूमेंट कर लिया, खुद फ्री हो गया, आपको ऐसा लग रहा है ये यही चाह रहा था जो हुआ है। ठीक है, और इसने ये सब कुछ किया, ये खुद फ्री हो गया। ठीक है, आप लोगों के बीच जो भी कनेक्शन था, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से फ्री हो गया ये इंसान। ठीक है, काफ़ी स्टबन पर्सन है ये इंसान। ठीक है, एक होता ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी ब्रेक नहीं कर रहा, वजह और रीजन भी नहीं बता रहा, सडन चेंज हो गया। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इसको, आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हुए हैं, पुरानी चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज को आप याद कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, आप बहुत इमोशनल है इस इंसान के लिए। ठीक है, आप जिससे कि अपने आप को एक मेंटल केज में फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको विदाउट शेल्टर, बिना सोचे समझे, बिना कुछ, आपको इसकी ज़िंदगी में कि आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, आप इस वक्त ये चीज़ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहरी थिंकिंग में आप। ठीक है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल होल्ड किया हुआ है, ऐसा हो सकता है सडन आप लोग की भी चीज़ें बिगड़ी हैं, ये मिसिंग एनर्जी है। आप बहुत लॉयल, ऑनेस्ट और पुराने इंसान हो सकते हैं, पुराना आप लोग का कनेक्शन हो सकता है, चीज़ें आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही थी, आप प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन के एक रीस्टार्ट होने का, एक बिगनिंग होने का। ठीक है, आप एक डिवाइन से जजमेंट कॉल कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रीस्टार्ट हो, इस इंसान की अवेकनिंग हो, ये इंसान इस कनेक्शन की वैल्यू को अंडरस्टैंड करे जैसे कि आप करते हैं। ठीक है, टेम्परेंस यहाँ पर, आप डिवाइन से एक यहाँ पर एक टेम्परेंस बैलेंस यहाँ पर एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान ऐसे बदला है जैसे कि एक चेंज आया हो। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, आप किसी भी तरीके से इस इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि जिस तरीके का ये बिहेव करता है या जिस तरीके का ये माइंडसेट रखता है, आप अनस्टेबल माइंडसेट नहीं है, आप बहुत क्लियर हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको अपनी लाइफ से, आपको इस सिचुएशन से, आपको
इस रिश्ते से आपको क्या चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हैं। और प्रेयर करना, हर जगह जगह जाके इसके बारे में मालूमात लेना या जानने की कोशिश करना, ऐसा क्या हुआ है, इसने क्यों आपके साथ एक आपको एक बैक स्टेप किया, इसने क्यों आपके साथ चीज़ों को ख़त्म किया है, या इसने क्यों आपके साथ चीज़ें ख़राब कर ली, इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है, ये आप समझ नहीं पा रहे। आर्ग्यूमेंट, डिस्टेंस, ये कोई रीज़न में रीज़न नहीं था या वजह में कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ये फाइट करना चाहता तो हर चीज़ से फाइट कर सकता था, आपको ऐसा लगता है। ये साइलेंट हुआ हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, ठीक है। एक टॉक्सिक इंसान को डील कर रहे हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा एक पैशन था आपसे लेकर, ठीक है, एक पैशन, एक सॉरी टू से, लेकिन ये एक पैशन और अट्रैक्शन इसका फिजिकल बेस्ड मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये कोई एक मैरिज मटेरियल या ये एक बहुत स्टेबल इंसान नहीं रहा है, ठीक है। एक ब्लैक एंड व्हाइट, इसको कोई क्लैरिटी नहीं थी। अगर आपके साथ चीजें इसकी स्टेबिलिटी की तरफ मूव भी करी तो यहाँ पर ये आपको लेकर जो एक्शन ले रहा था उसमें खुद ये श्योर ही नहीं था, बस एक्शन ले रहा था क्योंकि इसको वो थ्रिल, वो पैशन, वो स्पार्क, वो एक अच्छा टाइम पास, वो एक अच्छा मेंटल पीस मिल रहा था, ठीक है। मतलब कि काफी ये इंसान मतलब के स्पार्क से बड़ा पैशन से भरा हो सकता है। आपकी तरफ से एक इमोशनल बॉन्ड था, लेकिन इसकी तरफ से एक स्पार्क और एक पैशन था, एक अट्रैक्शन थी, ठीक है। अट्रैक्शन को हम कभी भी इमोशनल लव नहीं बोल सकते। अट्रैक्शन जो होती है वो स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आपको बेस चाहिए, अगर आपको रिश्ते की एक रिश्ते की लॉन्ग टर्म तक आपको देखना है तो उसमें इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये जो इंसान है काफ़ी टॉक्सिक लग रहा है, काफ़ी पैशनेटिव लग रहा है, काफ़ी एक फिजिकल बेस कनेक्शन या फिजिकल बेस अट्रैक्शन रखने वाला लग रहा है, ठीक है। तो इसने आपके साथ इसी तरीके का कनेक्शन मेंटेन भी किया होगा, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसी तरीके का आप लोग का रिश्ता जो रहा है काफ़ी, इसके साथ आपकी एक जैसे कि चीजी टॉक होना और इस तरीके की बातें और इस तरीके के मतलब कि आप लोगों के बीच इसी तरीके का रिश्ता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब है चल रहा है इस वक्त। आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप डिस्टर्ब हैं मेंटली, टोटली आप डिस्टर्ब हुए हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे क्या होगा। आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी प्लान थी, या आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, या स्टेबिलिटी बनने वाली थी, चीज़ें आप लोग की सेटल डाउन हो चुकी थी। मतलब कि इसने जो कहा सिर्फ लफ्जी था, फर्जी था, आरजी था, आपको ऐसा लगता है अब, ठीक है। ये आपको चीट करके गया, ठीक है, एग्जैक्टली कहूँ तो ये आपको चीट करके गया। इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ, ये अपनी जिंदगी में कर क्या रहा है, रिवर के पर्सन इस वक्त राइट नाउ अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, ये इंसान अपनी जिंदगी में इस वक्त राइट नाउ कर क्या रहा है, इसका फोकस क्या है, ये किस पे ध्यान दे रहा है, ये किस चीज पे अपनी लाइफ में बिजी है, इसकी मसरूफियात कर वजह क्या है। डुअल माइंडसेट, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है जिसको ये डील कर रहा है, ठीक है, वो पेंटिकल की एनर्जी है। आपके अलावा कोई और शख्स, कोई और चीज़ ज़रूर है जो इसके माइंड में चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसको इसने ज़्यादा प्रायोरिटाइज करनी शुरू करा है, ठीक है। ना एम्परर बहुत ज़्यादा ढीठ हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ हुआ है, आपको समझाना चाहें भी तो समझा नहीं सकते उस वाली कंडीशन में, बहुत ज़्यादा कोल्ड, स्टबर्न और जैसे कि अपने ही माइंड सेट में है, सुनना ही समझने की कंडीशन में नहीं है, ना सुनना चाह रहा है ना आपको समझना चाह रहा है, कंट्रोलिंग फिगर की तरह ये डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लंट हुआ हुआ है, ठीक है, कोल्ड ब्लंट, इसके पास क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, ठीक है। इसके माइंड में आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी चल रहा है, कोई और इंसान भी चल रहा है, दो तरीके के थॉट्स हैं जिनको ये कैरी कर रहा है, ठीक है। द डेविल, टॉक्सिक हुआ हुआ है, बिल्कुल टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, बिल्कुल टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक ब्लॉकिंग एनर्जी है, इसको समझ नहीं आ रहा आप यहाँ पर आप इससे क्या डिमांड कर रहे हैं, आप इससे मतलब कि जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, जो बॉन्ड था आप एटलीस्ट सारे उसका पास रख रहे, जो आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा उस चीज का पास रख रहे ये इंसान। भाई आप इमोशनल हैं, आप इसको इमोशनल पर्सन समझते हैं, लेकिन इसकी तरफ से वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, आपकी तरफ से वो इमोशनल बॉन्ड है, आप इससे वही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस पूरी सिचुएशन से, ठीक है, इस आपके प्यार से, इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ यहाँ पर व्हील एक मतलब कि एक ऑपोजिट वे में टर्न हुआ है, ऑपोजिट वे में टर्न हुआ है, जहाँ आप लोग के बीच चीजें एक बैलेंस और स्टेबिलिटी की तरफ थी, ये आपको सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता है फैमिली को रीजन बना रहा है, फैमिली यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली यहाँ पर नहीं मान रही, फैमिली यहाँ पर एग्री नहीं है, फादर फिगर कोई है जो यहाँ पर ऑब्स्टिकल बन रहा है, कोई थर्ड पार्टी इशू है भाई, आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, कोई थर्ड सिचुएशन है जो यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच यहाँ पर आग खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में पीस बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ हुआ है आपके लिए, और सारा स्ट्रेस इस चीज का आप ले रहे हैं, सारा स्ट्रेस, सारा आपके ऊपर दिमाग पे जोर है, सारा मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो खराब हुआ शायद इसका रीजन ही आप है, ठीक है। ये इंसान आपको सारा ब्लेम दे रहा है, मतलब कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट, स्टबर्न नेचर, टॉक्सिसिटी, एक मिसबिहेव करना, जब मतलब कि जब आपको साथ की जरूरत है, जब राइट टाइम है इसका, राइट डिसीजन और एक्शंस लेने का, तब ये आपकी लाइफ में है ही नहीं, तब आपको एक मतलब कि एक्सेप्ट करने का या अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल ही नहीं है, ठीक है। देयर फीलिंग्स, इस इंसान के अंदर और क्या चल रहा है आपको लेकर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू, इस इंसान की जिंदगी में आपके अलावा और क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। को डिपेंडेंसी इशू है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। आप यहाँ पर को डिपेंडेंट है, सॉरी, यहाँ पर को डिपेंडेंसी इशू चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, एक एडिक्शन अफेक्शन इस रिश्ते में चल रही है। आप मतलब कि गिव योर रिलेशनशिप चांस, आप इस रिश्ते को अभी भी एक चांस देना चाहते हैं, आप इसकी टॉक्सिसिटी का लेवल समझ नहीं पा रहे, अब नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, क्योंकि आपने ट्रू लव किया था, जो ये इंसान है ये आपके साथ सिर्फ एक अच्छे टाइम के लिए था, हनीमून, आप इसके साथ मैरिज, कमिटमेंट, क्वालिटी टाइम और ट्रस्ट, ट्रस्ट इशूज यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, जबकि आपके अंदर ट्रस्ट इशूज आ चुके हैं, जब आपको ये किसी भी पॉइंट पर छोड़ सकता है तो ये किसी भी हद तक जा सकता है। डिसेप्शन, यहाँ पे एक डिसेप्शन है, ठीक है, आपके पर्सन एक डिसेप्टिविटी पे है, आपके पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, कुछ कोई चीज हाइड कर रहे हैं, कोई डिसेप्टिविटी वेरी सून आपके सामने कुछ रिवील होने वाली है, इसकी कोई जो कर रहा है आपके साथ, ठीक है, उसमें से कुछ आपके साथ एक रिवील होने वाला है, कुछ आपकी लाइफ में आपको खुलासे, आपको क्लैरिटी, आपको जैसे कि आपको बहुत से ट्रुथ रिवील होंगे, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, डिवाइन आपको क्लियर कट बता रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी नजर नहीं आ रही, जो समझ नहीं रहे, यहाँ पे फैमिली इशूज भी है इसकी लाइफ में, ठीक है, यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा रीजन या फैमिली बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकती है आप दोनों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है, शायद आप लोग की मैरिज, कमिटमेंट, आप कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर होने वाली थी, एक सडनली चीजें डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हुई, आप लोग के बीच किसी तरीके की स्टेबिलिटी थी तो वो खराब हुई है, अगर आप लोग की इंगेजमेंट थी तो वो डिस्टर्ब हुई है, चीजें मतलब कि अनस्टेबल हो गई है, चीजें आप लोग के बीच कोई खराब नहीं चल रही थी, चीजें स्टेबल थी, एक सडन आर्ग्यूमेंट इसकी तरफ से, एक मिसबिहेव होना या ब्लेमिंग इसके साथ इसके स्टार्ट हो गए, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, लोगों की क्या अहमियत होती है जब रिश्ता दो लोगों का होता है, तो ठीक है, तो इर्द गिर्द के लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। नेक्स्ट क्या हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में, लेट्स सी इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, आप उसको एक स्टेबल ऑफर करेंगे, लेकिन ये एक डिफेंसिव एनर्जी में है, अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहा है ये इंसान, आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंटल ब्लॉकेज, जैसे एक मेंटल केज में आप फंस चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है इसने आपको एक बीच रास्ते में छोड़ दिया, इस प्यार में, इन इमोशंस में, इसने आपकी जरा कदर नहीं करी या इसको जरा चीज समझ में नहीं, आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आप इसका एक रियल फेस जरूर देखेंगे, जो एक रियलिटी, एक जो एक सादगी का मुखौटा ये ओढ़ा हुआ है, जो आपको दिखा रहा है कि मैं खुद स्टक हुआ हुआ हूँ, नहीं, ये इनजस्टिस, आपको इससे जस्टिस चाहिए, ये इस चीज की वैल्यू नहीं समझ रहा आप यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कोल्ड और ब्लंट होने वाले हैं, इससे क्लियर कट क्लैरिटी डिमांड करेंगे आप आने वाले टाइम में, या तो ये रिश्ता स्टार्ट होगा उस क्लैरिटी के बाद, या तो ये एंड होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप इससे डिमांड करने वाले हैं, या तो इस रिश्ते की आप खुद भी स्टेज में आ जाएंगे, या तो आप इस रिश्ते की भी क्लैरिटी चाहेंगे, या तो आप इस रिश्ते को खत्म कर देंगे, कंप्लीटली एंड कर देंगे, ठीक है। भाई अगर ये इंसान आपको कितना ही इमोशनल होकर दिखा ले, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, देखिए फैमिली उस वक्त तक प्रॉब्लम रहती है जब तक यहाँ पर आप फैमिली को समझाना चाहें, आप काफी स्ट्रेस आउट है, आप काफी स्ट्रेस है, आप मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बेहद कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसने आपको बैक स्टेप किया है, सीधा सीधा इसने आपको उस पॉइंट पर छोड़ा जब आप बिल्कुल फुली फोकस थे, जब आपको लग रहा था सब चीजें सेट हो चुकी हैं, आप एक वेटिंग एनर्जी पे नजर आ रहे हैं, एक वेट नजर आ रहा है आपके अंदर, ठीक है, स्टक है आप अपनी लाइफ में, इस इंसान पे स्टक हुए हुए हैं,
और ये इंसान जैसे कि जानता है, आप बात एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हो सकते हैं, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, गए हुए इंसान का इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टकनेस है, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है इस लाइफ, इस इंसान को आप काफी एडमायर करते हैं, इसकी लुक्स, इसका जो भी है, मतलब कि आप स्टक हुए हैं। ऐसा हो सकता है जैसे कभी कभी शायद कोई इंसान इतना अच्छा हो नहीं होता नहीं है, वो इतना अपने आप को शो करता है कि आपको ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर अपने से ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही है, आप अपने सेल्फ को छोड़कर इसके सेल्फ को एनहेंस करने में लगे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जो सब कुछ ये हो रहा है, इस इंसान को आपने अपने आप से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया था, आपने इसको अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट, अपने से ज्यादा इज्जत, अपने अपने से ज्यादा आप इसका अच्छा चाह रहे थे, ठीक है, वहां चोट खाई है आपने इसको। आप ये जो ये तो जितना जितना ये अपनी लाइफ में चमक रहा है, इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इसको उस पेडिस्टल पे रखने का। आपने वो मेहनत, वो वैल्यू अपने लिए नहीं करी, जो वैल्यू, जो मेहनत आपने इस इंसान के लिए करी, ठीक है, करें, लेकिन अपने अपने ऊपर भी काम करें, ठीक है। लव, प्यार, अफेक्शन, ये पूरी दुनिया नहीं होती है, ठीक है, दुनिया का, ये जिंदगी का एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरी लाइफ नहीं है प्यार मोहब्बत ये सब कुछ। जब तक आप अपने सेल्फ पे वर्क नहीं करते, जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस नहीं करते, सामने वाला आपकी पर्सनालिटी में कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। आप उसको एनहेंस करे जा रहे हैं उसकी पर्सनालिटी को, क्योंकि उसको एक पेडिस्टल पे रख के आप उसको प्रायोरिटी दे पा रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं। आप वो तो देखें वो इंसान कितना प्रायोरिटी कर रहा है, आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी मुझे नजर आ रहा है, जो लोग थर्ड पार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो उस पर्सन की लाइफ में मुझे नजर आ रहा है, जो ये एक जगल कर रहा है आपको किसी और सिचुएशन, किसी और इंसान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफी ट्रेडिशनल लग रहे हैं, विजडम से भरे लग रहे हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड काफी एजुकेटेड है, या तो आप खुद भी बहुत एजुकेटेड हैं, या आप बहुत विजडम से भरे हैं, अगर एजुकेशन इतनी नहीं है तो समझदार बहुत हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आप, ठीक है, फैमिली की वैल्यूज आपको पता है, ठीक है, स्टेबिलिटी की वैल्यूज आपको पता है। तो देखने में तो आपको ये भी इंसान ऐसे ही लगा था, ठीक है, लेकिन एक सेल्फिशनेस है इसके अंदर। हो सकता है फैमिली अच्छी हो, फैमिली स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन इसने आपको कुछ देना नहीं था, आपसे लेना था, ठीक है। जब बात आई स्टेबिलिटी की, जब बात आई आगे फर्दर फ्यूचर की, जब चीजें स्ट्रेस और डिस्टर्ब हुई है, जब यहाँ पर एक लोगों के ओपिनियन याद आ रहे हैं, जब यहाँ पर लोगों की आर्गूमेंट, उसने ये कहा था, उसने ये वो कहा था, यहाँ पर जब ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को यहीं पर रखते हो, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।